नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ जी के विद अमित में। हम डेली शाम को 7 बजे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन की आपको अपडेट देते हैं लगभग 7 बजे के करीब। लेकिन अभी जो हम अपडेट दे रहे हैं वो लैंग्वेज टीचर के फाइनल रिजल्ट से संबंधित है और केवल जेई इलेक्ट्रिकल का जो स्क्रीनिंग रिजल्ट निकला है उससे संबंधित है। थोड़ी देर के बाद जो है जो बाकी के सभी अपडेट्स हैं उसकी अपडेट भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट हम जेई इलेक्ट्रिकल से देखते हैं जिसका स्क्रीनिंग रिजल्ट निकला है। इसमें 156 पोस्ट थी और पोस्ट कोड की बात करें तो 829 जो इसका पोस्ट कोड है। इसमें हम नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 471 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। आगे हम 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट इवेल्यूशन की बात करें तो इनकी डॉक्यूमेंट इवेल्यूशन जो है वो 13 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो है होगी। 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट इवेल्यूशन से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या जानकारी नहीं है तो आप हमारे चैनल में विजिट करें, आपको उसके ऊपर जो है वीडियो देखने को मिल जाएगी और आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। जो 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट इवेल्यूशन होगी उनके लिए जो है अलग से लिस्ट आती है जिसमें रोल नंबर नेम जो है सब कुछ लिखा होता है कि कौन से डे में किस कैंडिडेट की जो है डॉक्यूमेंट इवेल्यूशन होनी है। आगे इसी पोस्ट कोड की जो हमने जो फाइनल आंसर की है वो भी यहाँ पर ली है क्योंकि जब उसकी जो प्रोविजनल आंसर की आई थी तो उसमें काफ़ी जो है उसमें गलतियाँ पाई गई थी। तो जिन्होंने भी ये टेस्ट दिए है और जो फाइनल आंसर की चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी पूरी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी, जो अदर रोल नंबर हैं उसकी भी और जो फाइनल आंसर की है उसकी भी पूरी पीडीएफ जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो लैंग्वेज टीचर के फाइनल रिजल्ट से आई है जिसका पोस्ट कोड 814 है। आई थिंक 13 नवंबर को जो इसका फाइनल रिजल्ट निकला था बट आज थोड़ी सी इसमें कुछ रिवीजन हुई है। क्या इसमें रिवाइज हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं। जो भी इसमें सिलेक्टेड हुए हैं वो अपना रोल नंबर एक बार जूस से चेक करें। जितना हमें यहां पर देखने को मिल रहा है मैंने यहां पर लास्ट ही पेज लिए है 195, 202 और 209 ये जो है तीन कैंडिडेट यहां पर चेंज हुए हैं, बाकी में हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन आप फिर भी जो है अपना जो रोल नंबर है और जो अपना नाम है वो एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो 195 है यहाँ पर पहले सुनीता देवी थी और अब जो है यहाँ पर सुशीला चौहान जो है वो सिलेक्टेड हुई हैं। और 202 की बात करें तो अभी यहाँ पर सुमन कुमारी हैं और पहले जो है यहाँ पर कोई किरण थी। और 209 की बात करें तो अभी यहाँ पर कल्पना है और पहले जो है यहाँ पर मोहिंदर सिंह थे। हम नंबर की बात करें तो सुशीला चौहान के नंबर जो है यहाँ पर 59.08 हैं और पहले जो यहाँ पर सुनीता थी उनके जो है 60.52 थे। और 202 की बात करें तो यहाँ पर सुमन कुमारी हैं जिनके मार्क्स आप यहां पर देख सकते हैं 58.85 दिए हैं और जो पहले किरण थी उनके मार्क्स 56.36 थे। और हम 209 की बात करें तो यहां पर कल्पना है जिनके मार्क्स 61.39 है और पहले जो मोहिंदर सिंह थे उनके मार्क्स 61.53 थे। इसके अलावा अगर कोई और चेंजिंग हुई है तो सभी जो अपना रिजल्ट देख सकते हैं जो उसमें पहले जो सिलेक्टेड हुए थे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।